सीए दीपक मल्होत्रा जी हमारे साथ में, अहमद अशरफ, और पूछ रहे हैं पोदार पिगमेंट्स पे आपका व्यू क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए पोदार पिगमेंट्स एक बेसिकली पिगमेंट्स जो टेक्सटाइल स्पेस के लिए लगता है वो बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये मास्टर बैच नाम का एक प्रोडक्ट है जो टेक्सटाइल स्पेस में बेसिकली केमिकल स्पेस में यूज किया जाता है, और ये काफी बड़े डोमिनेंट प्लेयर है। प्लास्टिक ब्लेंड्स के बाद इनका सेकंड नंबर आता है। इस कंपनी की जो खासियत है लवजीत, वो ये है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कंपनी के पास करीबन 100 करोड़ की कैश है। कंपनी का मार्केट कैप मेरे ख्याल से मुश्किल से 300 करोड़ होगा, तो आप देख सकते हो कि कंपनी वेल मैनेज्ड है। प्लस इन्होंने अभी एक एक्सपांशन अनाउंस किया है जो अगस्त सितंबर में चालू हो जाएगा, तो पूरी तरह से वो एक्सपांशन अपने इंटरनल अप्रूवल से उन्होंने कर दिया, एक भी पैसा का कर्जा नहीं लिया, तो इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म यानी कम से कम अगर 12 से 15 महीने की अगर हम बात करें तो करीबन 525 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको जरूर खरीदिए। मिड कैप स्टॉक है लेकिन बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल्स है और यहाँ से भी अच्छी अपसाइड पॉसिबल है। दिवाकर जी, हमारे दर्शक हैं सीए दीपक मल्होत्रा जी हैं, पोदार पिगमेंट्स पे जानना चाहते हैं। हम उस पे फंडामेंटल्स पे तो राय ले चुके हैं पोदार पे, आप एक बार चार्ट देख करके आप बता दीजिए कि कैसा दिखता है आपको जी पोदार। आप इसकी बात कर रहे हैं 208 के आसपास जो स्टॉक है? नहीं, 424 पोदार पिगमेंट्स। ओके, पोदार पिगमेंट जी, चार पोदार पिगमेंट एक अच्छे मतलब टेक्निकली एक अप ट्रेंड में है, इस स्टॉक में बनाया जा सकता है अगर उन्होंने पोजीशन लिया, और अगर नहीं भी लिया तो इसमें करेक्शन में किसी भी करेक्शन में कोई भी टिप इसमें 400 की तरफ दिखता है तो इसमें डेफिनेटली बाई करने की सलाह। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रहा जा सकता है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे अप ट्रेंड में एक स्टॉक दिखता है, और एक अच्छे ब्रेकआउट भी इसमें काफी 2 से 3 हफ्ते पहले हुए थे, और उस ब्रेकआउट का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और इसमें जो टारगेट है 550 से 600 तक के, अगर मीडियम टर्म के लिए कोई अगर होल्ड कर सकता है तो वहां तक के टारगेट देखे जा सकते हैं।